थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सभी मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए परमेश्वर के चरणों में आएंगे, अपने हृदयों को खोल के परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। और मैं इस बात का विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत बड़े कार्य को करेगा। आमीन। खूबसूरत है
परमेश्वर की महिमा के लिए। सचमुच तू महान परमेश्वर है खुदावन, तू हमारे करीब रहता है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हालेलुया। तेरी मौजूदगी के लिए तेरा धन्यवाद यहोवा, तेरा शुक्र हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, तेरा धन्यवाद। आइए हमारे बीच में बेटा जोएल है, परमेश्वर की महिमा के लिए वो एक वर्स बोलेगा परमेश्वर के कलाम में से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। आइए हम बेटे जोएल से परमेश्वर के कलाम में से एक वर्स को सुनें। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर जिद्दी लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सचमुच आज हमें जरूरत है परमेश्वर के भवन में आकर सिर्फ उन बातों की ओर ध्यान नहीं देना जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन जो बातें परमेश्वर की मनोहरता से हमें प्राप्त होती है, उसके घर में से हमें प्राप्त होती है, हमें उन बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम उसकी मनोहरता की ओर दृष्टि लगाएंगे, उसकी खूबसूरती की ओर दृष्टि लगाएंगे, तो वो सचमुच हमारे जीवन को भी खूबसूरत कर देगा। हालेलुया, आमीन।